हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज है हमारा टारगेट डे 15 और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे कि भैया जो नेक्स्ट टारगेट है वो मंडे को दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप लोगों का एक हफ्ते रिविजन चला था, फिर उसके बाद एक टारगेट जो दिया गया वो पूरे हफ्ते तक दिया गया था। इस बार आप दो टारगेट कर लीजिए, अगले हफ्ते एक ही टारगेट दे देंगे और वो अगला टारगेट जो है बुधवार के आसपास देंगे, तो आप लोगों को काफी टाइम मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से इस बात से नाराज हूं कि आप लोग एक्टिव रहिए, थोड़ा बिल्कुल ऐसे मत हो जाइए कि भैया अब तो पेपर पता नहीं कब होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मन चाहेगा तब कर लेंगे। भैया पूछ रहे हैं कि टारगेट कब देना है, आज देना है, मंडे में देना है, कोई मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जिससे कि मेरे को भी लगे कि हाँ भाई बच्चे एक्टिव हैं। नहीं तो फिर अगर आप इनएक्टिव मोड में आ जाओगे तो उससे ज्यादा इनएक्टिव फिर मैं हो जाऊंगा, फिर आप लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि एक्टिव रहिए और जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा फायदा है। पेपर तो होना ही है, आज नहीं कल नहीं पेपर होना। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जब पेपर होगा आप लोग देख लीजिएगा, तब भी आप में से 75% स्टूडेंट रो रहे होंगे कि यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। ये जो है ना, जो थोड़ा सा टाइम और मिल जाता वाले हैं, ये वही हैं जो इस टाइम पे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो इस टाइम पे बिल्कुल डीएक्टिवेट हो चुके हैं, यानी कि उनके अंदर कोई मोड ही नहीं है इस टाइम पे। वो पढ़े हैं कि जब पेपर की डेट आएगी तब पढ़ेंगे। ये वही बच्चे होंगे जो लास्ट टाइम पे भी कह रहे होंगे कि और थोड़ा सा टाइम मिल जाता। इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि टारगेट्स अचीव कर लीजिए। हर बच्चे के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो भैया करवा रहे उसके 20 टारगेट्स को कंप्लीट कर लीजिए। आप सिर्फ अपने टारगेट पे नजर रखिए, सिलेबस पे पूरी तरीके से नजर हमारी बनी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स पे नजर रखिए। देखिए अभी हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की ओर भी आगे बढ़ना है, हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी देखना है, अभी हमें डीजल मैकेनिक ट्रेड का भी देखना है, अभी हमें साइको का भी देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। इसलिए आप ये वाला जो पोर्शन है, जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कॉमन पोर्शन है, इसे इतना अच्छा कर लो कि बाद में ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इस चीज का ध्यान रखें, बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए टारगेट डे 15, तो सबसे पहले आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के जो टारगेट्स हैं वो लगभग 20 के आसपास आते हैं, ये मैंने आप लोगों से कहा। 15वां टारगेट हो रहा है और देखो किस तरीके से खेल खेल में आप लोग टारगेट डे 15 पे आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया बायोलॉजी कैसे कंप्लीट होगी, देखो अब आप लोगों के सामने ही बायोलॉजी भी कंप्लीट हो रही है। आप कह रहे थे केमिस्ट्री तो भैया अभी स्टार्ट भी नहीं किए हो, 9th की पूरी केमिस्ट्री निपट गई ना। आप देखेंगे 50% केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप लोग बना लोगे। अब बाकी बच रही है ये 10th की, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं ये 10th की भी स्टार्ट हो चुकी है। अब थोड़ा और ज्यादा सीरियस मोड में आ जाइए, 2022 में ग्रुप डी के अंदर 9th की फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, सिर्फ 10th से ही पूछे थे। तो अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ और जो आपके सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि क्लास 10th NCERT लेवल, तो वो अगर सीरियस हो जाता है तो सिर्फ 10th से ही पूछता है। इसलिए ये जो चैप्टर्स हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए क्लास 10th की NCERT को थोड़ा सा और सीरियस लीजिएगा, जैसे कि हमने फिजिक्स को लिया था। तो अब हम चल रहे हैं क्लास 10th की NCERT की ओर। तो गाइस सबसे पहले नंबर पे हमारा स्टैटिक जीके, ये जो पोर्शन है देखिए, ये मैं कह रहा हूं ये एक समुद्र है, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोगों को आनी चाहिए। तो वही चीजें हैं जो आप लोगों को करवाई जाती हैं, बाकी इसका कभी जिंदगी में अंत नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाए कि जो 10 मार्क्स का मेरे पास आ रहा है या ग्रुप डी के अंदर 20 मार्क्स का आ रहा है वो मैं करने वाला हूं, वो चीज मैं कर लूंगा। ग्रुप डी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि भैया टारगेट स्टार्ट करो, तो आपके टारगेट की पूरी प्लानिंग हो रखी है भैया, टारगेट स्टार्ट होंगे, थोड़ा सा इंतजार और जरूरी है। मैं सोच रहा हूं कि बस एक बार देखिए टारगेट अभी स्टार्ट हो गए, एक महीने बाद 4-5 टारगेट हो पाएंगे, क्योंकि हफ्ते में एक टारगेट चलेगा आप लोगों का, धीरे धीरे चलेंगे, फाउंडेशन से चलेंगे, तभी दोबारा से नोटिस आ जाएगा, फिर बच्चे कहेंगे अब दोबारा शुरू करो, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है, हमें भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक ही बार जितने स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ जाए, तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों की टारगेट क्लासेस चल पाएंगी और हम भी जितने एफर्ट डाल सकते हैं वो डाल पाएंगे, क्योंकि फिर दिक्कत होती है इस बैच में उस बैच में, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
तो गाइज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में हम लोगों का जो टारगेट है वो है प्रमुख भारतीय शोध संस्थान। ये क्या है? इंपोर्टेंट इंडियन रिसर्च सेंटर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है कि आप बताइए वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ऐसे चावल का पूछ लेता है, बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, और इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये और याद कर लीजिएगा कि कौन सा स्पेस सेंटर से रिलेटेड कि ये वाला जो है कहां पे, जैसे एक नाम दे देगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं रेलवे के मकसद से, तो आप इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हो गई। नेक्स्ट है सम इंपोर्टेंट, क्या यूनेस्को सूची में जो शामिल है विश्व धरोहर स्थल, ये आप लोगों को करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो यूनेस्को की सूची में जितने भी नए शामिल होते हैं, जो भी प्लेस हैं या कोई गार्डन है, कोई भी चीज अगर यूनेस्को की सूची में शामिल हो रही है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट बन रही है, तो आप ये चीज समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हैं तो वो बहुत सारी, तो क्या हम सारी याद करेंगे? नहीं। आप एक तो पहली कौन सी है वो आप याद करेंगे, 2024 में 23 में कौन सी नई इंक्लूड हुई है वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 2024 में जो भी चीजें यूनेस्को की सूची में शामिल हुई है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप जरूर से जरूर करेंगे, इसको अपडेट भी करते चलना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सूची दी कि यूनेस्को की सूची में ये था, तो था 2024 में ये है, पेपर हो रहा 2025 में, मान लेते हैं मार्च में पेपर हो रहा है आपका, लेट होगा, मैं नहीं कह रहा हूं मार्च में होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मार्च में हो रहा है तो अगर फरवरी में भी कोई जुड़ा है तो आप लोगों को ये अपडेट करते रहना होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए भारत में या विश्व में कोई भी चीज पहली बार होती है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वो तो मैंने आप लोगों को करंट जीके में भी पढ़ाया कि भैया पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां पर चली है, या सीएनजी से चलने वाली कोई भी चीज जो पहली बार होती है वो तो इंपॉर्टेंट होती है करंट में भी। लेकिन अगर कोई काम पहली बार हो रखा है, जैसे भारत की प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी, ये वाली चीजें जो पहले हो रखी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो भारत में प्रथम, चाहे वो सीजेआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पहली पीएम हो, महिला हो, पुरुष हो, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। और ये स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज को भी आप कवर करेंगे। कहां से करेंगे उसकी टेंशन मत लीजिए, हम कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में हम लोगों की नाइन्थ की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, टेंथ की बायो खत्म होने को है, एक चैप्टर बचेगा इसके बाद, बायो खत्म होने को है, फिजिक्स पूरी तरीके से खत्म हो रखी है, केमिस्ट्री हम लोग लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बायो भी खत्म हो गई है और आगे जो टारगेट्स हैं वो इजी होते जाएंगे। अब ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है, तो आप लोग अपने रिवीजन पे और जो पुराने टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जो टारगेट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने से जाएंगे, क्योंकि चीजें बचेंगी नहीं तो टारगेट्स कम ही होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चैप्टर टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद अगर रह जाता है तो आप याद दिला दीजिएगा, उन चैप्टर्स को भी टारगेट में इंक्लूड करेंगे, वैसे रहेगा नहीं क्योंकि हमारी पूरी नजर है। तो क्लास टेंथ की जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कह रहा हूं 2022 के अंदर इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कि आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार नाइन्थ से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, जबकि सेम सिलेबस 2018 में लिख के दिया गया था, सेम सिलेबस एएलपी का था, सेम सिलेबस जेई का था, लेकिन एएलपी 2018 में भी क्वेश्चंस पूछे गए नाइन्थ से, जेई में भी पूछे गए, ग्रुप डी में भी पूछे गए, लेकिन ग्रुप डी 2022 के अंदर नाइन्थ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए।
लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को तैयार रहना है कि अगर नाइन्थ के पूछेगा तब भी हम रेडी हैं, अगर नहीं पूछेगा तब भी हम रेडी हैं। तो टेंथ की जो बुक है उसे ज्यादा सीरियस लो, बार बार बताता हूं मैं। क्लास टेंथ की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अच्छा, एनसीईआरटी करना क्यों जरूरी है कोई बच्चा बता पाएगा? एनसीईआरटी करना इसलिए जरूरी है कि आप जब अपना पेपर देखते हैं तो पाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहां से आया, तो आप अपनी मोटी मोटी किताबों में से उसे ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया। जबकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डिट्टो चीजें देखी हुई मिलेंगी, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप बाकी बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें से आपको निकालना पड़ता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यहां पे जो आप पढ़ेंगे वही आएगा। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लास टेंथ की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 8 आप हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ हम इस टारगेट के अंदर कंप्लीट करेंगे कि मान जो जीव है वो किस तरीके से जनन करते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर रहेगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा ये आ रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फुल चैप्टर। पहले हाफ था, इस बार फुल चैप्टर। इसके अलावा ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ई नहीं होगा ए होगा, ये एडिटर की गलती है, उसने कर दिया होगा, ठीक करा देंगे। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, कितने दांत होते हैं, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होंगे। तो उन चीजों को करना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि रेलवे के अंदर ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती आई हैं। नेक्स्ट है टारगेट डे 15। मैथ्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है? तो रीजनिंग में अभी आप कर रहे होंगे कवर, क्या क्या कवर कर रहे हैं अभी आप? कवर कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, वो वाला चैप्टर जो आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस चैप्टर में अभी कुछ बाकी रह गया होगा, आप उस चीज को भी कवर करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, तो बाकी का तो आप रिविजन कर ही चुके हैं। तो जो चीज बची है उसका आप रिविजन करेंगे स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। या उसका कोई पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि वो आज ही गया था आप लोगों को पता है, तो उसके एक दो पार्ट अभी बच रहे होंगे, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट भी है, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को आप कवर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वो चैप्टर है। उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, पिछली बार मैंने अपनी वीडियोस नहीं दी थी, इस बार मैं अपनी दो वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, उनके बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, तो आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो इस चीज को तो कट कर दीजिए, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट अजम्पशन ही आप करेंगे। नेक्स्ट है स्लोग्स। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन जहां से मैं करवाऊंगा अगर आपने समझ लिया, नोट्स भी आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ये मेरे नोट्स के अंदर भी है, मैं इस चीज को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया और ये टारगेट आप लोगों के कंप्लीट हुए। लेकिन भैया, अच्छा हाँ, मैथ्स में क्या है? ये तो रीजनिंग का टारगेट है। मैथ्स में जैसे कि अभी आपने वो किया होगा, टाइम एंड डिस्टेंस किया, फिर ट्रेंस किया। टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेंस के नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो वोट एंड स्ट्रीम आता है। वैसे कहते हैं कि हमारे सिलेबस में है नहीं, लिख के नहीं दिया है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस पूछता है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। तो हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चंस जरूर से जरूर करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है डीआई। डीआई के अंदर पाई चार्ट्स आप कंप्लीट करिए, बार ग्राफ आप कंप्लीट करिए, लाइन ग्राफ आप कंप्लीट करिए। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपी पुलिस हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, सब में आपको ग्रुप डी के अंदर भी दो दो तीन तीन क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। तो आप इस चीज को कवर करेंगे, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाइएगा। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अपनाई जाती हैं वो मैं कई बार बता भी चुका हूं। जैसे ये है, ये है, ये पाई चार्ट है, यहां पे लिखा है 20%, यहां पे 10%, यहां पे कुछ लिखा है 25%, ऐसा कुछ लिखा है। यहां पे कोई जनसंख्या दे रखी है, ये ए गांव का है वेटेज, बी गांव का वेटेज है, सी गांव का, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वो कहेगा कि बताइए, यहां पे जनसंख्या दे देगा कि जनसंख्या है 2.5 लाख, दे दे कुछ भी, ठीक है, 2.5 लाख जनसंख्या, बताओ
गांव ए और बी की जनसंख्या का अंतर कितना है। अब बच्चे कितना बेवकूफ बनते हैं यहाँ पे, मैं मतलब एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूं। बच्चा क्या करेगा, पहले ए की जनसंख्या निकालेगा इसका 25%, फिर बी की निकालेगा इसका 20%, और फिर उन दोनों को घटाएगा। इस तरीके से आप लोग करते हो तो आप लोगों का टाइम टाइम बहुत जाता है। अरे ये हमेशा पता होता है कि 100 का ही होता है। अब अगर ए की जनसंख्या 25% है, बी की जनसंख्या 20% है, इसका सीधा सा मतलब है कि ए और बी का डिफरेंस पूछा है तो पहले आप परसेंटेज में से ही घटा लो 5%, और इसका 5% निकालो, सिर्फ इसका 5/100, 100 कटेगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स हैं जो आप शॉर्टकट में निपटा सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस को शॉर्टकट में ही करना होता है, ऐसे ही बार ग्राफ के, ऐसे ही लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्टकट में निपटाने होते हैं। तो गाइज ये सारी की सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे, बहुत आसानी से बताएंगे। तो ये आप लोगों के टारगेट्स हैं, इनको आप कवर करिए। मैं आप लोगों से एक बार नहीं, बार बार एक बात बोल रहा हूं, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि पेपर लेट होगा, मैं तो अभी ढील देना शुरू कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मुझसे लिखवा लो, आप कुछ भी कर लीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जितना पेपर डिले हो रहा है ना, उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है, उतनी ज्यादा कट ऑफ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो 18,000 वैकेंसी के बाद, देखिए 5,000 वैकेंसी में बहुत सीरियस लड़के ही पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही 18,000 हुई, लोग नौकरी छोड़ छोड़ के पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप बेवकूफ हैं उन लड़कों से, आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अब एक लड़का जो लेटेस्ट तैयारी करना शुरू हुआ, वो लड़का आपसे आगे निकल जाएगा, ये चीज देख लीजिएगा। अगर आपने पढ़ाई में ढील दी तो जो न्यू लड़के तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो लड़के भी आपसे आगे निकल जाएंगे। इस चीज का ख्याल रखें। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस ग्रुप डी टेक्नीशियन, ये क्लासेस हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार है कि एक बार ग्रुप डी की कोई न्यूज आ जाए, नोटिस आ जाए कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। ये है टेस्ट बुक का, जिन लोगों को परचेज करना है वो कर सकते हैं। ये 527 नहीं, इस समय पे कुल 400 रुपए का मिल रहा है। तो GSP 10 यूज करके अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपका मन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहां पे बहुत टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये टारगेट क्लासेस हम पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, टेक्नीशियन के स्ट्रेंथ और ग्रुप डी के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और ALP वाले स्ट्रेंथ भी यहां से अपना रिविजन करते चले, और साथ में अपना इंजीनियरिंग ड्रॉइंग और बाकी चीजों पर ध्यान देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।